चलिए दोस्तों पहुंच गए हैं ठीक पहिया पाती में, और यहीं पे दोस्तों जो पहिया पाती की प्रक्रिया होगी ना, पहिया पाती में जो होता है ना कि गरुड़ देवता जो होते हैं वो ठीक दोस्तों पहिया के ऊपर आते हैं। यहाँ पे निरंकार देवता की पूजा की तो 3 दिन बड़े कठिन परिश्रम और बड़े मेहनत वाले दिन हमारे लगे। हमारे सारे भाइयों ने बड़ी मेहनत से दिन और रात एक करके यहाँ पे, और जब तक दोस्तों गरुड़ देवता नहीं आएंगे तब तक दोस्तों ये पूजा आगे के लिए नहीं बढ़ती है। दोस्तों जिस चीज का इंतजार था फाइनली वो घड़ी भी आ गई है, भेंट वगैरह रखने स्टार्ट हो गए हैं वे दोस्तों, और सबसे पहले दिशा वगैरह में भेंट रखती है। कहीं कहीं ना कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, लोग इंतजार में ही रह जाते हैं, बट तो इस जगह पे ठीक धुनी वगैरह हो रखी थी, तो अभी हम धुनी की राख भी लेके जा रहे हैं। तो ये वाली राख ना दोस्तों बहुत निकल गई है भाई, दोस्तों हमारी सेना भी अब घर की तरफ कट्टे कुट्टे बैग बुक सब तैयार हो गए हैं। तो हो गई है भाई दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत, और एक नए दिन की शुरुआत के साथ करते हैं एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। तो है गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और इस प्यारे से गांव, खूबसूरत से गांव चंदौली गांव से। तो कल की वीडियो में भाई दोस्तों आपने देखा देवी देवताओं का हल्दी स्नान, साथ में भाई दोस्तों धुन वगैरह देखी। आज भाई दोस्तों पूजा का ना ठीक 4th दिन है, यानी लास्ट दिन है आज भाई दोस्तों, पूरी पूजा भी समाप्त हो जाएगी। बाकी भाई दोस्तों जो आज की प्रक्रिया है ना वो है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल बता ही दिया था, आज है भाई दोस्तों पहिया पाती की रस्म, और पहिया पाती में भाई दोस्तों गरुड़ वगैरह भी आता है। तो अभी दोस्तों सारी तैयारियां चलना शुरू हो गई है, तो सीधा लेके चलते हैं दोस्तों आपको पहिया पाती में। बाकी भाई दोस्तों आज कल ना बड़ी हालत खराब हो रही है, अभी सुबह सुबह पहले भाई दोस्तों अपने गाँव की तरफ गए, वहां से भी दोस्तों सामान वगैरह लेके आए, और फिर जैसे यहाँ आए ना फिर जाके सारी चीजें करी, और अब जाके सीधा पहिया पाती में जाएंगे क्योंकि उसकी रस्म भी चलना स्टार्ट हो गई है, मतलब लोग तैयार हो गए हैं। चलिए दोस्तों पहुंच गए हैं ठीक पहिया पाती में, और यहीं पे दोस्तों जो पहिया पाती की प्रक्रिया होगी ना वो यहीं पे की जाएगी। फिलहाल भाई दोस्तों इस वाली रस्म में, यानी इस वाली जो भी ये पूजा होती है, इसमें ना दोस्तों 5 कन्याओं के साथ पहिया पाती में आना पड़ता है। बाकी यहाँ से दोस्तों पंडित जी लगे हुए हैं पूरी पूजा पाठ करने पे, यानी पहिया पाती की जो भी प्रक्रिया है ना उसको सम्पन्न करने पे। फिलहाल भाई दोस्तों पहिया पाती की जो रस्म है ना वो चली रही है, और साथ ही में दोस्तों पहिया पाती में जो होता है ना कि गरुड़ देवता जो होते हैं वो ठीक दोस्तों पहिया के ऊपर आते हैं, यानी पहिया के पेड़ के ऊपर आते हैं, ठीक पहिया के पेड़ के ऊपर दोस्तों घूमते हैं, उसी के बाद दोस्तों ये पूजा संपन्न हो पाती है, मतलब पहिया वगैरह उसी टाइम वहां से काटा जाता है, तब जाके उसको दोस्तों यहां से लेके जाते हैं, और कहा जाता है बल्कि गरुड़ देवता आते हैं। तो देखते हैं फिर गरुड़ देवता पहिया के ऊपर आते हैं कि नहीं आते हैं, और जब तक दोस्तों गरुड़ देवता नहीं आएंगे तब तक दोस्तों ये पूजा आगे के लिए नहीं बढ़ती है। मतलब जो आप सामने दोस्तों पहिया का पेड़ देख रहे हो ना, जब ठीक इसी के ऊपर दोस्तों गरुड़ देवता आएंगे। फिलहाल भाई दोस्तों सबकी निगाहें वहीं टिक रखी है कि कब गरुड़ देवता है, सभी लोग उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। जिस चीज का इंतजार था फाइनली वो घड़ी भी आ गई है, गरुड़ देवता पहुंच गए हैं भाई दोस्तों, पर फिलहाल अभी काफी ज्यादा दूर है।
कट गया है भाई दोस्तों पहिया भी, क्योंकि गरुड़ देवता ने भी अपने दर्शन दे ही दिए हैं। फिलहाल भाई दोस्तों अब तैयारी हो गई है सभी की पहिया पाती से लौटने की। भाई दोस्तों इंतजार की घड़ी भी खत्म हो गई है, गरुड़ देवता ने भाई दोस्तों अपने दर्शन दे दिए बहुत जल्दी। भाई दोस्तों कहीं कहीं ना कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, लोग इंतजार में ही रह जाते हैं, बट बहुत ज्यादा लेट मतलब गरुड़ देवता आते हैं। बट हमारे जो देवी देवता थे ना वो भी जल्दी मान गए थे, और जो हमारे गरुड़ देवता थे वो भी जल्दी मान गए थे, इसीलिए भाई दोस्तों बहुत जल्दी आ गए। मतलब लगभग 10 मिनट का टाइम लगा होगा, 10 मिनट के अंदर भाई दोस्तों गरुड़ देवता आ गए थे, नहीं तो दोस्तों कहीं कहीं ना 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। अब जो दोस्तों प्रक्रिया बची हुई है वो प्रक्रिया है दोस्तों, पहले पूजा पाठ की जाएगी, उसके बाद भाई दोस्तों जैसी भेंट वगैरह पड़ेगी ना उसमें भाई दोस्तों सबसे पहले दिशाएं भेंट देती है, उसी के बाद सभी भेंट देते हैं। तो ये वाली प्रक्रिया बच गई है। भेंट वगैरह रखने स्टार्ट हो गए हैं वे दोस्तों, और सबसे पहले दिशा वगैरह भेंट रखती है, तो हमारी जो सभी दिशाएं हैं भेंट रखने के लिए प्रस्थान कर रही हैं। चलिए जी दोस्तों ले लिया है सभी ने आशीर्वाद, यानी सभी ने रख दी है दोस्तों भेंट, हमने भी रखी दी है, और जो अब आगे की प्रक्रिया बची हुई है ना दोस्तों वो है दोस्तों अब भंडारे की प्रक्रिया। आदिवे भाई दोस्तों पहुंच गए हैं ठीक स्कूल में, और जो भी खाना वगैरह बनेगा ना दोस्तों यही बनेगा। फिलहाल अभी तो दोस्तों खाना वगैरह बनने की प्रक्रिया चल ही रही है दोस्तों, ठीक 3 बजे का टाइम हो गया है और अभी तक ना खाना वगैरह भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं ऊपर गया था और फिर थकान इतनी ज्यादा हो गई थी कि बिल्कुल सो गया था, और अब जाके दोस्तों नीचे जा रहा हूँ, खाना भी बचा होगा कि नहीं बचा होगा तो चलो देखते हैं। वैसे तो होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, बट अभी ना बहुत सारे काम निपटाने हैं जो भी है, बाकी पूजा वगैरह का जो भी काम था ना सारे निपट गए हैं। ऐसे उठा भाई दोस्तों, उसके बाद भी ना कुछ सामान वगैरह जैसे उठा रहे दोस्तों, उसके बाद भी देखो सामान वगैरह धोना पड़ा इधर उधर, तो उसके चक्कर में हाथ देखो कैसे हो गए भाई। फिलहाल अभी दोस्तों लग गए हैं बिल्कुल साफ सफाई के काम पे। ठीक है लक्ष्मण भाई, मिलते हैं तब है, चल भाई ध्यान दियो, मम्मी भी आ रही है अभी। ठीक ठीक अच्छा ठीक ठीक चलो ठीक। तो कर दिया है भाई दोस्तों सब जगह से क्लोजमेंट, यहाँ से चाचा जी ने कर दिया है देखो बढ़िया से तिरपाल, ये तिरपाल लास्ट बच गया था, इसका समझ नहीं आ रहा था इसका क्या करना है, बट कर ही दिया है जुगाड़ जैसे तैसे करके, मतलब ठीक ठाक कर दिया है। मंदिर की भी सफाई दोस्तों लगभग हो गई है। अब लास्ट में दोस्तों हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बट हाथों के हाल देखो क्या हाल हो चुके हैं। ये दीदी का भी क्या हाल हो चुके हैं, दीदी तो बड़ी स्मार्ट लग रही है, दीदी तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बट हम फिट एंड फाइन नहीं रह गए। अब लास्ट बारी है दोस्तों निसड़ों को खोलने की, यानी निसड़ों की तय वगैरह करने की, अब इनको भी पंचायत भवन में रख दिया जाएगा। और
अब है भाई दोस्तों चंदोली के ठीक पंचायत भवन में। यहाँ पे जो भी सामान है ना सारा सामान इकट्ठा वगैरह कर रहे हैं, जो भी पूजा में यूज हुआ था बर्तनों से लेके हर एक चीज वो जमा कर रहे हैं। तो स्कूल की भाई दोस्तों बढ़िया से सफाई कर दी गई है और साथ ही में भाई दोस्तों पूरा क्लोजमेंट यहाँ से भी कर दिया है। चलो निकलते थे तो निपट गए भाई दोस्तों सारे काम। बाकी अब विदा लेने का टाइम आ गया है दीदी जी से। दीदी जी ने भाई दोस्तों 3 दिन बड़ी खातिरदारी करी हमारी, 3 दिन की पूजा हुई तो बहुत खातिरदारी करी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। चलो बाय बाय भाई दोस्तों। इस जगह पे ठीक धुनी वगैरह हो रखी थी तो अभी हम धुनी की राख भी लेके जा रहे हैं। तो ये वाली राख ना दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आती है, मतलब जब भी छल छपट या कुछ भी होना तो इस राख का अगर टीका वगैरह लगा देंगे तो फिर ठीक हो जाता है, मतलब सभी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो हमने पन्नियाँ भर दी है। कनिका से भी बाय बाय करते हैं। कनिका कनिका बाय 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 बाय, हाँ मिलते हैं बहुत जल्दी आपको, ठीक है। बाय बाय, टाटा करते, टाटा टाटा। अरे ठीक है दीदी, बाय 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 बाय। दोस्तों दादी लोगों से भी लेते हैं विदा, तो दादी लोगों बाय बाय है, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। हम कमेंट करेंगे, ठीक ठीक। बुआजी बाय 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 बाय। बुआजी बुआजी बहुत शर्मीली इंसान है। बाय बाय भाभी जी, बाय बाय। निकल गई है भाई दोस्तों हमारी सेना भी अब घर की तरफ, कट्टे कुट्टे बैग बुक सब तैयार हो गए हैं। ये हमने यहाँ पे निरंकार देवता की पूजा की तो 3 दिन बड़े कठिन परिश्रम और बड़े मेहनत वाले दिन हमारे लगे। हमारे सारे भाइयों ने बड़ी मेहनत से दिन और रात एक करके यहाँ पे काम किया और सारी पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से सफल हुई है। ये सब कुछ भगवान का ही आशीर्वाद है। लेकिन 3 दिन हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, दिन और रात बिना सोए जागे हुए बिल्कुल हमने यहाँ पे काम किया है, तो ये सब भगवान का ही आशीर्वाद है। और आज हम 3 दिन इस पूरे काम को करने के बाद अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। 7 बजे बज गए प्रस्थान कर रहे हैं और अब पहुंच ही जाएंगे। जय श्री राम, जय निरंकार देवता। 3 दिन के सफर ने दोस्तों बहुत चीजें सिखाई, बहुत सारी चीजें हमने करी, बहुत सारा काम भी किया। सकल की भी दोस्तों बैंड बजी हुई है, पूरे शरीर की बैंड बजी हुई है क्योंकि काम काज ही दोस्तों इतना ज्यादा था। बाकी ये जो 3 दिन का हमारा परिश्रम था ये भी सफल हो गया है, यानी पूजा वगैरह बढ़िया से हो गई है, तो भगवान का आशीर्वाद था और सारी चीजें कर ली है। दोस्तों 3 दिन से ना बड़ा रगड़ेट हो रखा था, रगड़ेट हमारे पहाड़ी में बोला जाता है दोस्तों, मतलब बिल्कुल टेंशन हो रही थी कैसे निपटाए कैसे निपटाए, बट भगवान का आशीर्वाद था तो सभी चीजें हो गई हैं और अब जाके बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, मतलब बहुत सुकून मिल रहा है कि सारी चीजें बढ़िया से हो गई है। बाकी अब निकल रहे हैं दोस्तों हम अपने घरों की तरफ, सारा क्लोजमेंट हो गया है यानी सारी चीजें बढ़िया से हमने कर दी है।